छिंदवाड़ा में एक मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को तत्काल फांसी की मांग की जा रही है। फांसी की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। इनका कहना है कि ऐसी दरिंदगी करने वाले को तत्काल सजा मिले, जिससे लोगों का कानून पर विश्वास बना रहे। परासिया में 3 साल की मासूम की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी, जिसके खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस ने एसडीएम और पुलिस को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। कांग्रेस के विधायक का कहना है कि इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा बड़ा हादसा हुआ है। 3 साल की मासूम बच्ची को दुष्कर्म करने के बाद उसे तालाब में फेंक दिया गया था। ऐसे दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी दी जाए, जिससे समाज में लोगों को प्रशासन व कानून का विश्वास बना रहे। यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, चूँकि अब इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हाल ही में कुछ दिन पहले एक 3.5 साल की बच्ची पे, जो जमुनिया ग्राम में रहती थी, उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस तरीके की वारदात निरंतर बढ़ते चले जा रही है, वो शासन इसमें नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। निश्चित रूप से एक बलात्कारी बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग सब यूथ कांग्रेस के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक में इसमें कार्रवाई की जाए, उसकी जितनी जल्दी हो सकता है उसको फांसी दी जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।